नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने दूसरा जो गद्य भाग से दूसरा पार्ट है युवावों से, जिसके लेखक स्वामी विवेकानंद, उसको प्रारंभ किया था। थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग देखे हुए थे। इसका मैं पीछे का फ्लैशबैक नहीं दूंगा, क्योंकि निबंध लेखन है, फ्लैशबैक कुछ कहानी की तरह नहीं है। तो यहाँ पे युवाओं को जागरूक करते हुए स्वामी विवेकानंद आगे बढ़कर समझा रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है। वो राष्ट्रीय आदर्श क्या है भारत के, वो है त्याग और सेवा। त्याग और सेवा भारतीय, भारत के राष्ट्रीय आदर्श। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्थात ये दो जो आदर्श है, इसमें पूर्ण तरह से डूब जाइए तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक सेवा मनोभाव में अपनी तीव्रता रखनी है और दूसरा त्याग। किसी ने कहा है, दूसरों को किसी भी कार्य के लिए या कार्य ना करने के लिए भी आप अगर थोड़ा सा मुस्कुराकर उसको रिएक्शन देंगे तो व्यक्ति सबसे करीब हो जाएगा। अर्थात किसी बुरे व्यक्ति को आप मुस्कुराकर भी देख लेंगे तो बुरा व्यक्ति भी आपके पास खींचा चलाएगा। तो यहाँ पे वो एक तरह से सेवा मनोभाव। आगे देखिए, तुम लोग काम में लग जाओ, फिर देखोगे कि इतनी शक्ति आएगी तुम में, तुम उसे संभाल ना सकोगे। सेवा और त्याग मनोभावनाओं को अपने अंदर धारण करके उसकी एक पूर्ण तरह से क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड लगाकर उसमें काम करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा और आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना ज्यादा आपके अंदर स्पीडनेस आ जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति है जो आलस्य है, आना ताना करता है अपने काम में, और उसको कोई भी काम दो, छोटा सा काम भी दो, उसको वजन डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही मन नहीं काम करने का, वो आलस्यपन में डूबा हुआ है और इधर उधर देखता रहता है। ऐसे व्यक्ति को छोटा सा काम दोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के प्रति प्यार करता है, वो विश्वास रखता है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं समझता, हमेशा अपने सेवा मनोभाव में रहता है, उसको बड़ा सा कार्य देंगे तो भी वो एक घंटे में पूर्ण कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेवा मनोभाव है, वो त्याग मनोभाव है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग होती है। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपने लिए काम करना सब चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति है जो दूसरों के लिए काम करे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति बना तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़कर एक ज्ञानी है। जो दूसरों के लिए काम करता है उसके अंदर की शक्ति जाग होती है और हृदय उसका एक तरह से एक सिंह बल में बदल जाता है, उसके अंदर शक्ति एक तरह से सिंह बल में बदल जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। विवेकानंद कह रहे हैं अपने अनुयायियों से, युवाओं से, युवकों से कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम अलग है, विश्वास अलग है। माता पिता भी प्रेम करते हैं बच्चों को, पहले के माता पिता थे, आजकल के माता पिता देखिए, पहले के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि देश के लिए निछावर कर देते, देश की उन्नति के लिए उनको भेज देते थे सीमा के ओर लड़ाई करने के लिए। बहुत सारे सैनिक बन गए, बहुत सारे देश के लिए प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन माता पिता ने कभी गम नहीं किया। लेकिन आजकल ऐसे माता पिता हैं कि दहलीज पार करने से रोकते हैं बच्चों को, खुद ही उनको कमजोर बनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वो प्यार बताते हैं जो पहले था, वो प्यार बताते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास रखता हूं, मैं तुम पर प्यार करता हूं, भले ही तुम लोग दूसरों की सेवा करते करते प्राण निछावर कर लो, मुझे दुख नहीं बल्कि खुशी होगी। सैनिक को क्या करते, अपनी रक्षा नहीं,
बल्कि देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों को बलिदान देकर वो देश की सुरक्षा तक सुरक्षा के लिए काम करते हैं, देश के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है इससे? कुछ नहीं, फिर भी वो प्रसन्नता से रहते हैं, उनके परिवार के लोग प्रसन्नता से रहते हैं। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य कर सकता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति और न किसी अन्य वस्तु की। केवल वही व्यक्ति अपने अपेक्षा से ऊपर उठकर काम कर सकता है जिसमें निस्वार्थ सेवा है। कोई व्यक्ति जिसके अंदर स्वार्थ भावना है, वो व्यक्ति अपने सीमा को लाद नहीं सकता। वो क्या करेगा? जितना उसको कमाना है, जितना उसको अंदर से इनकम निकालना है, उतना ही काम करेगा, बढ़ चढ़कर कुछ नहीं काम करेगा। सेवा मनोभाव तो उसके अंदर नहीं रहता। कोई भी एक गरीब आदमी उसके सामने फाइल लेकर आएगा तो पूछेगा कितना देगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ भावना रहता है। वहां पे वो हर एक काम के बदले अपने अपेक्षाओं को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे निस्वार्थी व्यक्ति देखिए, दिन में कितना काम कर ले, कितनी ही फाइल फ्री में वो रोटेट कर ले, लेकिन वो थकता नहीं है। ये 4-5 फाइल रोटेट कर ले तो थकावट हो जाती है और कहता है कि बस भैया बहुत कमा ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कमाने की लालच की वजह से आलस्यपन भी आ जाता है ने? और आगे देखिए, जिसके अंदर धन की लालसा नहीं है, निस्वार्थ व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर धन की लालसा नहीं है, कीर्ति की लालसा नहीं है और ना ही किसी अन्य वस्तु की। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हाल ही में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस जयंती मनाई और उसके बारे में एक उल्लेख आता है कि कई एक घटना आती है जहां पे किसी के लिए पैसों की कमी हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री को कुछ आवश्यकता आ पड़ती है पैसों की, तो इधर उधर भटकते रहते हैं कि किससे मांगू, कैसे करो करके। उनकी पत्नी अंदर से कुछ पैसे लाकर उनको दे देती है और लाल बहादुर शास्त्री पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उनकी पत्नी कहती है कि जो आप खर्चे के लिए देते थे, घर खर्चे के लिए, उसमें ही मैंने कुछ निकाल कर रखे थे, वही पैसे मैंने आपको दे दिए। तो उसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री सरकार को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि जो वेतन आप मुझे दे रहे हैं शायद ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में बचत हो रही है, आप कृपा करके कम करिए ताकि मैं जितनी वेतन में है उतने में घर चला सकूं। अर्थात उनको बचत करने की कोई लालसा नहीं है, बचा कर रखने की कोई लालसा नहीं। आजकल क्या करते हैं लोग, 15,000-20,000 यहां तक कि 1,00,000 रुपए कमाए तो भी कहते हैं सरकार से कि कम दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको बचाने का एक लालसा, बचा कर रखने की एक लालसा है। आज बच्चों के लिए जायदाद बनाने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम बच्चों को ही जायदाद बनाते हैं, बच्चों को ही जायदाद बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन उनके लिए ढेर सारा अमाउंट पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि वो अयाशी करें और बुरे काम करें। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। अर्थात ऐसी निस्वार्थ भावना मनुष्य के अंदर आ जाएगी, वो ऐसी निस्वार्थ बनकर निस्वार्थी बनकर काम करते रहेगा तो एक ना एक दिन वो भी एक तरह से बुद्ध की तरह। गौतम बुद्ध महान तपस्वी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिनके अंदर है बहुत से गुण थे। उन्होंने कभी भी बुरे कर्म बुरे आचरण सभी को त्याग कर अपने आप में एक दिव्य पुरुष बन गए। और स्वामी विवेकानंद वही कह रहे हैं कि ये सब को त्यागो ताकि आप भी दिव्य पुरुष बन सके। और उसके भीतर ऐसी एक शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। मनुष्य पूर्ण तरह से बदल जाएगा तो अपने आप ही अपने अंदर की शक्ति से वो संसार को भी बदलने की योग्य बनेगा। जब तक मनुष्य के अंदर बदलाव नहीं है, हम कभी नहीं कह सकते कि संसार को बदलो। मनुष्य नहीं बदला है तो हम संसार को बदल के क्या करेंगे? संसार कितना भी बदलो, मनुष्य के बुरे प्रभाव के कारण वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो आगे देखिए और एक पैराग्राफ
जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, आज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में, गवर्नमेंट के एक कर्मचारी पद पर रहकर जो हम काम कर रहे हैं ये समझ लेते हैं कि हमने जितना काम किया उतना हमें वेतन मिल रहा है, लेकिन सही रूप में हमें वेतन कहाँ से मिल रहा है? जो गवर्नमेंट से टैक्स लिया जा रहा है, गरीब लोग जो टैक्स भर रहे हैं, जो कमाई करने वाले लोग जो टैक्स भर रहे हैं उनकी तरफ से हमें वेतन मिल रहा है। हमारी कमाई का वेतन नहीं है, हमारे वो सेवा मनोभाव है। सेवा मनोभाव को ही कुछ लोग बुरा ना समझे इसलिए हमें वेतन के रूप में धन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि हमें काम के बदले धन दिया जा रहा है, नहीं बल्कि हमें सेवा के बदले प्रतिफल दिया जा रहा है, वो गरीबों का मोट है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि जब तक भारत देश में भूखे और अशिक्षित रहेंगे तो मैं किनको दोषी मानूंगा? उनको जिन्होंने उन्हीं के पैसों से पढ़ लिख कर एक निश्चित स्थान तक पहुंचे हुए हैं वही व्यक्ति विश्वासघाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको उनकी सहायता के लिए जो रकम दी, टैक्स दिया, वो उनकी मेहनत से उसकी सहायता से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई की और आगे बढ़े, आज उन्हीं को भूल गए। आज एक फैक्ट्री में मालिक जो रहता है उसकी आमदनी कहाँ है? फैक्ट्री के वर्कर से। वो वर्कर काम कर रहे हैं इसलिए मालिक को वेतन मिल रहा है। अगर मालिक ये समझ ले कि ये सारा मेहनत मेरा अपना है, इनका कुछ नहीं है, तो क्या लाभ उसका जो मालिक है? वो मालिक कहलाने के योग्य नहीं है। मालिक वो होना चाहिए जो अपने फैक्ट्री में काम करने वाले निचले कर्मचारी को भी सुख से रखे और उनको वो सारी जरूरत की चीजें प्रदान करे, क्योंकि उन्हीं की वजह से इसका सब कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ लोग देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। आजकल देश में अगर सर्वे करेंगे, देश में कुछ घूम फिर कर हम देखेंगे कितने अमीर लोग हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं। पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 5% भी नहीं जो अरबपति हैं, मतलब सबसे ज्यादा अमीर। उसके सेकेंड करोड़पति हम ढूंढेंगे तो 10% हो सकते हैं। तो इतने 10% और 5% के लोग हैं, क्या हम 20 या 30% जो गरीब की हालत में है, गरीबी रेखा के नीचे है, क्या उनकी सहायता नहीं कर सकते? तो इनका अमीर होना क्या लाभ? ये अमीर होना क्या लाभ? बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, टाट पाट में घूमते हैं, क्योंकि इनकी सहायता यही गरीब लोग कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से इनकी टाट पाट हुई है, लेकिन ये उनकी सहायता नहीं कर रहे तो ये देशवासी कहलाने के योग्य नहीं है, देश के नागरिक कहलाने के योग्य नहीं है, ऐसा स्वामी विवेकानंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, समय कितना हुआ देख के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे का जो पैराग्राफ है हम लोग कल के अध्याय में देखेंगे, क्योंकि पाठ थोड़ा बोरिंग है, मैंने पहले ही बोला था निबंध लेखन है, कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ज्यादा आपके दिमाग में घुसना भी अच्छी बात नहीं है। जबरदस्ती मैं आपके दिमाग में जो भी बातें डालूंगा वो आप अंदर लेंगे या बाहर ढकेलेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। कल का अध्याय कल देखेंगे, कल मिलते हैं, धन्यवाद।